त्रिशु नमस्ते स्मिता वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। माय नेम इज सुस्मिता, वेलकम टू अ न्यू व्लॉग। रिशु क्या दिखा रहा है? रिशु इस नया शर्ट पहन के, बिना नहाए नया शर्ट पहन लिया, जो कल वो खुद पसंद करके लाया था और इसमें लिखा है कि सेल्फ मेड। तो सेल्फ मेड है हाँ, तो बॉर्न किंग है क्या? बॉर्न किंग है, ठीक है ठीक है, रिशु बॉर्न किंग है। अभी बज गए हैं 11:45, सुबह से बहुत सारा काम चल रहा था। आज जैसे कि आप लोगों ने देखा कि साफ सफाई चल रही थी, हमारी साफ सफाई हुई, उसके बाद हम कल जो प्लम केक लेके आए थे वही वाले, वही चाय और खा लिए, क्योंकि ब्रेकफास्ट प्रॉपर ब्रेकफास्ट और कुछ नहीं बनाई, क्योंकि इतना काम होने के बाद कौन ब्रेकफास्ट बनाएगा। इसीलिए लंच पे हम जबरदस्त बना रहे हैं आज। एक मतलब सोचो कि आज एक एक्सपेरिमेंट है, आज जो जो चीज भी बना रहे हैं सब हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं, हमारे लिए भी नए हैं। आज बन रहे मतलब मेनू में है, आज मेनू में क्या है? आज मेनू में बहुत सारा चीज है। कल हम बिग बास्केट से जो जो मतलब आज के लंच के लिए जो जो सामान चाहिए था वो मंगाए थे, लेकिन हमको ना स्लॉट नहीं मिल रहा था, मतलब 7 से 11, 10 बजे तक का स्लॉट नहीं मिला, फिर 10 से 1 बजे हो गया। तो हम बोले कि यार नहीं हो पाएगा शायद, लेकिन लकीली देखो एक दिन मतलब लकीली आ गया था। वो क्या आया था, वो कौन सा वाला, वो बड़ा वाला पीस आया गया, तंदूरी वाला पीस आ गया था। आज लकीली हमारा स्लॉट बदल गया और आज सुबह ही वो देखे गए हमको, मतलब हमारा जो था ऑर्डर वो आ गया। तो अब हम प्रॉपर विथ टाइम विथ मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ आज बनाएंगे जो हमारी आज की स्पेशल मेनू है, जो हम फर्स्ट टाइम बना रहे हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ क्या क्या मेनू है। मेनू में आज है कोकोनट राइस, रेड थाई करी, और रिशु के लिए होगा क्रिस्पी चिकन, क्या क्या। और अगर सर हमारे सर थोड़ा सा हमको टाइम देंगे तो आज हम बनाएंगे अफगानी चिकन। और क्या बनाए मैं सब बता दिया, और क्या बनाए रिशु के लिए कुछ नहीं बनाए, रिशु सिर्फ फ्राइड चिकन खाएगा, राइस दाल फ्राई कर देती हूँ, मिक्स दाल फ्राई कर देती हूँ। तो अभी मतलब जल्दी जल्दी से मैं क्या बोल रही थी पता है क्या, जल्दी जल्दी को अभी सांगे सांगे कोची बीच में उड़िया घुस गया। कोकोनट राइस और थाई करी में सिर्फ एक चीज कॉमन है, वो है नारियल। अभी एक मैंने नारियल से निकाल दिया है, तो इसको अभी ग्राइंड करके इसका दूध निकालूंगी। तो नारियल का दूध दोनों में चाहिए, कोकोनट राइस में तो नारियल का दूध चाहिए ही चाहिए, और थाई करी में भी नारियल का जूस चाहिए। तो नारियल का दूध तो नारियल का दूध बनाती हूँ। अभी निकल गया नारियल का दूध, और इसको मैं बाद में इसमें लड्डू बनाऊंगी, इसमें गुड़ और सारे ड्राई फ्रूट्स डाल के। तो अभी के लिए इसको अंदर डाल देते हैं, फ्रीज में डाल दूंगी, तो अभी नहीं करूँगी इसको। नारियल का दूध निकल गया तो अभी फटाक से बना देते हैं नारियल राइस। ये क्या है? बोलो बावल। बोले बाव। अब्बा करो। लॉबी पॉप। और मेरा अच्छे से गर्म हो गया है, अभी मैं ऐड करूंगी घी। एक चम्मच मैंने घी दिया है, ज्यादा घी नहीं दूंगी क्योंकि नारियल में भी थोड़ा सा रहेगा, नारियल में उसका खुद का तेल रहता है तो वो एडजस्ट हो जाएगा, ज्यादा घी देने की जरूरत नहीं है। रेजिन को छोड़ के बाकी सबको ऐड कर लूंगी। ये मूंगफली, चने, क्योंकि अभी से अगर रेजिन डाल दूंगी तो वो जल जाएंगे, तो पहले इन दोनों को थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं, उसके बाद ये सबको ऐड करेंगे। अब ऐड करेंगे कड़ी पत्ता, अब ऐड करेंगे रेजिन, सफेद तिल और उड़द दाल। इनको ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं है, ऐसे मतलब ज्यादा रोस्ट करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा सौते करेंगे। ये थोड़ा हो गया, अभी चावल ऐड कर लेंगे, थोड़ा सा भून लूंगी। नमक ऐड कर लेती हूँ, चावल के हिसाब से नमक। चावल हो गया है, अभी ऐड करेंगे कोकोनट मिल्क।
मैंने इस कप में नाप के लिया था चावल, तो इसी कप के हिसाब से डालूंगी। इतना थाई करी में जाएगा मेरा। अभी हो गया ये, और अभी मीडियम टू हाई में देके इसको कम से कम 3 सीटी लगाऊंगी। तो हो गया हमारा कोकोनट राइस। बनाने के लिए थाई पेस्ट बना रही हूँ। अभी ये अदरक लिया है, लहसुन और कोरिएंडर सीड्स है, ब्लैक पेपर, एक आधी नींबू, दो तीखा रहता है थोड़ा, तो मैंने 2 ही मिर्ची लिया, ज़्यादा नहीं। और इसमें स्पेशल इंग्रेडिएंट्स है लेमन ग्रास, तो लेमन ग्रास मैंने कम से कम 2-3 चम्मच लिया है। इसको और भी थोड़ा बारीक से काटूंगी, तो शायद पीस नहीं पाऊंगी या फिर मिक्स थोड़ा खराब है। और 2 टमाटर, मीडियम साइज टमाटर 2। तो ये सबको मिला के मुझे एक ठीक पेस्ट बनाना है, तो अभी मिला देती हूँ। और उसमें ऐड होगा, हाँ ये भी है, उसमें ऐड होगा सोया सॉस। ये 2 चम्मच मैंने सोया सॉस लिया है, तो ये सबको मिला के मैं अभी एक ठीक पेस्ट बनाऊंगी। पेस्ट हो गया। तो अभी थाई करी के लिए सारी सब्जी जो मैंने निकाल दी, ये सबको अभी काट लूंगी। फर्स्ट टाइम के लिए हम टोफू खाने जा रहे हैं। टोफू ठीक है, तुम बाहर जाओ, मम्मा बना के तुम्हें बुलाएगी। ठीक है रिशु, किधर जा रहे हो तुम? बाहर जा रहे हो? हो गया अभी सब, सिर्फ लास्ट में ऐड करेंगे नारियल का दूध और इसको बॉईल पे छोड़ देंगे कम से कम 10 मिनट, ये सारे सब्जी अच्छे से पक जाए। टन टना, होप सबको अच्छा लगे, एक्सपेरिमेंट अच्छी तरह से हो जाए, सबको पसंद आए, और क्या चाहिए। मतलब हमेशा कुछ नया वाला डिश करते ही ऐसे मन में ऐसे कि अच्छा चले जाए, सब खा ले, ऐसे वही चल रहा है मेरे दिमाग में कि सब खा ले ऐसे। फर्स्ट टाइम टोफू भी खा रहे हैं, पता नहीं उसका टेस्ट कैसा है, मैंने कभी नहीं खाया, कभी नहीं, सिर्फ सुना था, देखा था मैंने। फर्स्ट टाइम हो रहा है चिकन अफगानी, और यहाँ पे रिशु का क्रिस्पी चिकन। क्या नहीं, कुछ नहीं डालना, नमक भी डाल दिया था ना, सब कुछ डाल दिया और कुछ नहीं चाहिए। थाई मुगलाई क्या नहीं है, अफगानी चिकन, मूंगफली थाई में आती है? हाँ नहीं नहीं, मूंगफली थाई में नहीं है, चावल पे है। कैसा है? अच्छा, राइस और थोड़ा पकना चाहिए, सूखा हो गया। हाँ मैं तो वही बोले, थोड़ा सा उसको अच्छा अलग है, नॉर्मल तो हम दाल चावल खाते हैं वही था। और कुछ अलग खाते हैं वो एकदम से हटके होगा टेस्ट में। उसकी प्लेट में कैप्सिकम नहीं है, देखो। हाँ इसको फोकस करना है, कैप्सिकम नहीं खाना है, कैप्सिकम इसमें है ना। मैं चाय खत्म कर लेती हूँ फिर जाते हैं, ठीक है? कितना अच्छा दिख रहा है ना कलर। जाएंगी और रिशु को क्या, रिशु आज गाड़ी चलाएगा, उसका कार। मुंह फिला के बैठा, क्यों मुंह फिला के बैठा बुब्बू? हमको बियर मॉल के सामने या उसके अंडरग्राउंड, हाँ इधर भी रख सकते थे, अंडरग्राउंड में जगह ही नहीं मिली इतना। जगह नहीं मिली तो हमने मतलब उससे कोसो दूर यहाँ पे गाड़ी रख के जा रहे हैं, चल के कम से कम 1/2 किलोमीटर चल के जा रहे हैं, जाएंगे है ना। चल हम फर्स्ट टाइम पे ही जा रहे हैं ना, चलो चलो।
लो। हमारे फेवरेट आइसक्रीम पार्लर से हम आइसक्रीम लेके जा रहे हैं और ये है जैकफ्रूट फ्लेवर। और रिशु बहुत ज्यादा खुश है कि जैकफ्रूट है। रिशु जैकफ्रूट पणस पणस तू कभी भाभी पणस रे भी आइसक्रीम हो पारियो? मु तो कभी भाभी नहीं जामुन है। और कौन जामुन? कौन जैकफ्रूट? जैकफ्रूट के है आइसक्रीम। रिशु आज कुछ तो अच्छा हुआ। हां जामुन है। और क्या है रे भाई? जामुन नहीं है। रिशु चम्मच नहीं दिया, कैसे खाए? इतने बुद्धू लोग भी दुनिया में है क्या रिशु? मुझे लग रहा था तू अकेला है बुद्धू। काटू? ये केक नहीं है रिशु, आइसक्रीम है। थोड़ा सा पिघलने दे, उसके बाद खाएंगे। ए ज्यादा सेल्फ मेड। चम्मच लेके आओ बाबा, चलो दुकान लेके चलो, हम चम्मच खरीदते हैं। बाबा साइलेंट है, मम्मी इतनी बोल रही है कि बाबा साइलेंट। बाबा चम्मच दियो। अच्छा ऐसा हो गया कि हम जहाँ जहाँ पे गए एंट्री नहीं मिला, पार्किंग ही नहीं मिला। हो गया, अभी थोड़ी सी आइसक्रीम। रिशु और उसके पापा आइसक्रीम खा के गए, ये मेरा वाला है, मैं यहाँ पे बैठ के खाऊंगी। और इसी के साथ ही आज का व्लॉग भी खत्म करती हूँ। आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द लाइक बटन। हमेशा की तरह कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। हर हर महादेव।